और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। सहारनपुर पुलिस और साथी बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 5,000 रुपए के नामी बदमाश जो है घायल हुआ है, जबकि बदमाश का एक साथी जो है मौके से फरार होने में कामयाब रहा है। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर शूर्णकरेश्वर स्वामी के यहाँ पर जो है एक डकैती की घटना को अंजाम दिया था, तभी से जो है बदमाश वांछित चल रहा था। दूसरे फरार बदमाश की भी पुलिस कॉम्बिंग लगातार कर रही है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, बैग, एक पिस्टल, कारतूस बरामद किए हैं। थाना भेड़ क्षेत्र के भागोवाला जंगलों में यहां पर यह मुठभेड़ हुई है। लगातार सहारनपुर की पुलिस क्राइम के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को लगातार क्रमबद्ध तरीके से कार्रवाई कर रही है। थाना बेहट क्षेत्र में अभी अभी बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक बदमाश रवि नाम का गिरफ्तार हुआ है, जिसपे 5,000 का इनाम था। कुछ दिन पहले जून माह में क्रेशर व्यवसायी के यहाँ डकैती डाली थी, उसमें वांछित चल रहा था। आज SOG हमारी जो जनपद की SOG है और बेहट की पुलिस है, उसको सूचना मिली थी और उस पर जब इन्होंने घेराबंदी की तो बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायर किया है। काउंटर फायरिंग के दौरान इसको ये घायल हुआ है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ इसका एक और साथी था जिसकी अभी तलाश की जा रही है, वो जंगलों में भागा हुआ है। कई थानों की पुलिस वहाँ तलाश कर रही है। एक बड़ी कामयाबी सहारनपुर के बेहट पुलिस और SOG।